हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंद दास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और इस दिन सभी पेड़ पौधे फल सब कुछ खुशी से झूम जाते हैं। खेत वगैरह सब कुछ बहुत ही सुहावने लगते हैं। भगवान को पीले कलर के वस्त्र और उनके व्यंजन पीले कलर के या केसर मिश्रित व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। तो आज इस बसंत पंचमी के त्यौहार को मनाने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं, और यह जो लड्डू है उसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा कप यानी कि हाफ कप घी लिया है। इसमें हम आधा कप रवा डालेंगे। बारीक रवा लिया है, मोटा है तो आप इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है। तीन से चार मिनट हो गई है। इसमें हम 1.5 कप बेसन डालेंगे या चने का आटा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। जब तक यह थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे लो फ्लेम पर। वसंत पंचमी स्पेशल रेसिपीज हमने बहुत सारी शेयर की है और उसका प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि एक साइड से वह जल ना जाए। पाँच मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि रवा भी फूल रहा है और कलर भी हल्का सा चेंज हो रहा है, मगर और भी हमें थोड़ा सा भूनना है 2-3 मिनट के लिए। यहाँ पर टोटल 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया हो गया है और अच्छे से सब कुछ रोस्ट हो गया है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे। मिक्सिंग बाउल में तुरंत ही ले लिया है, कभी भी वह पैन में नहीं रखना है, नहीं तो पैन गर्म रहता है उसकी वजह से फिर से वह रवा या बेसन जो है और भी डार्क हो जाता है। और इसे हमें अभी पूरा ठंडा करना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। मिक्सी जार लिया है, इसमें हम 3/4 कप चीनी लेंगे, 3/4 कप। 4 से 5 इलायची के दाने लिए हैं, उसमें डाल देंगे। इसका हमें बारीक पाउडर पीस लेना है। पाउडर हमने पीस के तैयार कर लिया है, मैंने एक बाउल में निकाल भी दिया है। करीबन 1 घंटा हो गया है और मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने इसे पहले भी 2-3 बार मिक्स कर लिया था। अभी आप देख सकते हैं कि उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें हमने जो चीनी का पाउडर पीसा था वह मिलाएंगे। स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें हमें बिल्कुल चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। मिक्स हो गया है, अब हाथ की मदद से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले जब हमने ठंडा करने रखा था तभी हमें घी का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, बट जब हमने ठंडा कर दिया उसके बाद उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी कभी लड्डू बहुत लूज हो जाते हैं या हार्ड बन जाते हैं, तो यह मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो परफेक्ट ही बनेंगे। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, रेडी है। अब हम लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे हाथ में और मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे।
आप चाहे तो छोटे बड़े आपकी चॉइस के हिसाब से इसे बना सकते हैं। यह बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं और इसी तरह हमें सारे लड्डू बना देने हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार है। हमने यह मेज़रमेंट से करीबन 16 लड्डू बनाए हैं। थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं हमने बारीक काटे हुए, ऊपर से लगा देंगे। ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो लगा सकते हैं। लड्डू बिल्कुल तैयार है, इसे आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। वसंत पंचमी स्पेशल रवा बेसन लड्डू रेडी है। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। भोग लगा दिया गया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।